यूपी से डीजल की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी मात्रा में डीजल बरामद किया है, जिसे दो वाहनों में लोड करके रीवा लाया जा रहा था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को डीजल की तस्करी रोकने के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस लगातार यूपी से आने वाले वाहनों पर नजर रख रही थी। मंगलवार को ऑटो और जीप में डीजल लेकर दो वाहन रीवा आ रहे थे। मुखबिर की सूचना पर हनुमना पुलिस ने बॉर्डर की घेराबंदी कर दी। जैसे ही दोनों वाहन पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उनमें गैलन रखे हुए थे जिसमें डीजल भरा हुआ था। दोनों वाहनों में करीब 1000 लीटर डीजल पुलिस ने बरामद किया है। दोनों वाहन चालकों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के चलते यूपी से इसका अवैध परिवहन शुरू हो चुका है। यूपी में डीजल की कीमतें एमपी की अपेक्षा कम है, जिसके चलते अधिकांश कंस्ट्रक्शन साइट में यूपी के डीजल मंगाकर उपयोग किया जाता है, जिसके मद्देनजर पुलिस विभाग डीजल का परिवहन करने वाले वाहन चालकों पर नजर रखे हुए है। थाना प्रभारी विद्यावादी तिवारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। डीजल यूपी के पेट्रोल पंप से एमपी लाया जाता था। पूछताछ में जिन लोगों के नाम सामने आएंगे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियां पकड़ी गई हैं, एक बोलेरो है और एक ऑटो है, जिसमें ये बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से डीजल परिवहन कर रहे थे। दोनों गाड़ियों में मिला के करीब 900 लीटर के लगभग का डीजल है, जिसको जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। ये डीजल पूछताछ का विषय है, जाँच कर पता चलेगा कि कहाँ से ये लेके आ रहे हैं। कौन कौन से वाहन हैं?